से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर मुंबई के पूर्व मेयर और शिवसेना ठाकरे गुट के नेता किशोरी पेडनेकर को दादर पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची है, जहां पर उनसे मुंबई में एसआरएएफ फ्लैट स्कैम मामले में घोटाले को लेकर पूछताछ होगी। दरअसल ये पूरा मामला एसआरए स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी यानी कि स्लम पुनर्वास प्राधिकरण से जुड़ा हुआ है। मामले के अनुसार दादर इलाके में एक इमारत के विकास काम के दौरान कुछ लोगों ने इसमें पैसे देकर फ्लैट खरीदे, लेकिन उन्हें फ्लैट नहीं मिले। जिन लोगों ने फ्लैट के लिए पैसे दिए हैं उनका आरोप है कि पैसे बीएमसी अधिकारी और बिल्डिंग निर्माण से जुड़े लोग खा गए। इसी मामले पर पूछताछ किशोरी पेडनेकर को मुंबई की दादर पुलिस लेकर आई है।